कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ईरू की, अपनी लाडो की नेमिंग सेरेमनी की एल्बम, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। और गाइस, ईरा को बिना पता नहीं है कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ और आज मैं ईरा के साथ क्यों आई हूँ। तो ईरू, आपको पता है आज हम क्या दिखाएंगे? ये क्या, ये पता है आपको? नहीं पता है? अरे तो चलो। और गेस गाइस, मैंने ना इरा को इसलिए नहीं बताया है क्योंकि ना हम लोग इरा का भी रिएक्शन लेंगे कि इरा का क्या रिएक्शन होता है इरू के फोटोज को देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है पहला फोटो और अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो ये देखो इरा, ये कौन है? अम्मा मेरी। कितनी प्यारी लग रही है ना। और गाइस, ये है इरू की मम्मा और ये कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं यार, बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये है इरू के पापा एंड मम्मी और इरा। और ये सब पीछे का। सो गाइस, ये फोटो है नामकरण के टाइम का, उससे पहले जो पूजा वगैरह होती है ये उस टाइम के फोटोज हैं। और इसमें दीदी और जीजू बहुत अच्छे लग रहे हैं। और गाइस, ये है अगला फोटो जिसमें इरा, आप बताओ कौन कौन है इसमें? आपको नहीं पता है? और गाइस, ये जो एल्बम आप देख रहे हैं इसमें इरू कितनी छोटी है और अभी हमारी इरू 5 ईयर की हो गई है। और इरा के ना 5 ईयर वाली बर्थडे का ब्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया है मेरे सेकंड चैनल पे, तो आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। एंड इरा, ये कौन है? ये जोर से बोलो। ये हमारी अम्मा है। ये है इरू की दादी और ये है मेरी बुआ सास और ये है उनकी नातिन, मतलब ये इरू की लगती हैं सिस्टर, सिस्टर ही लगती हैं आई थिंक। और ये बच्चे भी ना बहुत अच्छे हैं। और ये है अगला फोटो और ये है पापा जी। और ना इस टाइम पे बहुत गर्मी थी, मई में इरा का बर्थ हुआ था 18 मई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये मम्मी जी हैं, तो जब पूजा वगैरह हो जाती है ना उसके बाद बोलते हैं न्योछावर करने। इरू क्या कर रही हो? झूला नहीं झूलो। तो उसके बाद में बोलते हैं न्योछावर करने को, तो मम्मी जी वही कर रही हैं और यहाँ पे ढोलक बज रही है। सो गाइस, होता है ना कि बच्चे का जब जन्म होता है तो ढेर सारी खुशियाँ तो आपके घर में आती ही हैं, साथ ही आता है ढेर सारा काम। सो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और अभी नामकरण हो गया है, ये उसके बाद का फोटो है और इसमें दीदी जीजू और इरा बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये फोटो है नामकरण के बाद का और ये है पापा जी, मम्मी जी और दीदी एंड जीजू और इरा। सो अब हम बढ़ते हैं अगले फोटो की तरफ। तो ये है पापा जी, मम्मी जी और ये मौसी जी हैं हमारी। तो ये तीनों लोग हैं और ये है छोटी सी इरा जी और ये मौसी जी और इरा। इरा कितनी अच्छी लग रही हो ना। ये क्या कर रहे हैं? हमारे कान पकड़ रहे हैं। सॉरी बोल रही हूँ, लग रहा है मैं तो किससे बोल रही हूँ। और ये है इरू आपकी ताई जी, ये सब आपकी ताई जी हैं। सो ये है इरू की दादी और ये तो इरा को बहुत 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 प्यार करती है। और जब भी हम लोग गाँव जाते हैं ना तो ये इरा को लेके ना बहुत सारा इरा को घुमाती है, बहुत 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 प्यार करती हैं। और ये है इरा की दादी और ये है इरा की बुआ और ये है इरा। देखो आप इसमें भी सो रही हो। रो रहे हैं। आ, रो रही हो, कितनी गंदी लग रही है। ये एल बनियान के पहने हैं। गर्मी थी ना बहुत, उन्होंने शर्ट निकाल दिया है। ये कौन है? ये ताऊ जी हैं। तो अभी ये है आपकी बुआ। सो गाइस, ये है इरा की बुआ और ये भी हमारी बुआ। ये दोनों इरा की बुआ जी है, मतलब मेरी चाची सास की बेटियां हैं ये। और ये हमारे मामा, ये मौसी है, ये हमारी सास मौसी है, आप और ये मम्मी है। यस। तो गाइस, ये हैं हम पांचों बहन भाई, हम पांच बहन भाई हैं, हमारा एक भाई है और हम चार बहने हैं। और ये अब चार, एक दो तीन चार, एक भाई है आपका। कितना छोटा है ना ये इसमें? छोटा नहीं लग रहा, नाम की नजर से तो बड़ा है। नहीं, फिर भी अभी तो बहुत बड़ा हो गया है ना। सो गाइस, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है हम पांचों बहन भाई और दीदी ना, एक हम भाई सब है। बताओ। एक भाई है बस, पांच बहन के एक भाई। चार बहन का पागल।
चार। खुद को भी काउंट कर रही है क्या? नहीं, एक दो तीन चार नहीं है, चार ही तो है। आप तो दीदी पांच बहन का, चार बहन का एक भाई है। तो गाइस ये हूँ मैं, और ये कौन है इरू? आपके हस्बैंड। आपके कौन है ये? मेरे चाचू। सो ये है इरागे चाचू। और गाइस आपको ना बहुत मतलब लग रहा होगा कि इतना उलझा उलझा सा रिलेशन क्यों है हम सबका। मैं इरू की मौसी हूँ और ये इरू के चाचू हैं, और दीदी मेरी दीदी हैं। और तो मैं आपको किसी और वीडियो में क्लियर करूँगी, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, आप लोग बहुत समझदार हैं। सो गाइस अब जो मैं आपको दिखाऊंगी ये है सारे शाम के टाइम के फोटो, और ये है पहला फोटो, और ये है ये मेरी ताऊजी की बेटी है, और ये मेरी बुआ जी की बेटी है, और हम तीनों ना इक्वल इक्वल मतलब सेम सेम एज के ही हैं, एक दो महीने का डिफरेंस है हम लोगों में। मौसी ये किसमें हम? इसमें हो आप, पालने में तो नहीं हो, पता नहीं किसमें हो ये आप। और आप जग गई हो इसमें तो। सो गाइस ये अभी ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, कौन जग गए? शाम को ही जग गए। इराम कितनी क्यूट लग रही हो आज, है ना? सो गाइस आप लोग ये बताइएगा कि इरा जब इरा का जन्म हुआ था, इरा का नामकरण हुआ था, तब ज्यादा अच्छी लग रही थी कि आज ज्यादा अच्छी लग रही है? ये तो नहीं बता उन लोगों को। सो गाइस ये है, और ये है हमारी भाभियाँ, मेरे ताऊ जी की बेटे की वाइफ है ये। और सो गाइस ये वाला फोटो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो ये है मेरे दीदी एंड जीजू और इरा, और इरा साथ में कौन है? साथ में कौन है? चाचू। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सो गाइस अब जो मैं फोटो दिखाऊंगी उसमें ना मेरी ससुराल की पूरी फैमिली है, और जो उसके बाद में आपको फोटो दिखाऊंगी उसमें मेरे मायके की पूरी फैमिली है। सो ये है मेरे ससुराल की पूरी फैमिली। अभी ना इसमें रुद्र और आ गए हैं जब रुद्र नहीं था। सो ये है दीदी जीजू और अखिल भैया, मम्मी जी, पापा जी, इरा, मैं, और ये रुद्र का है? रुद्र तो है ही नहीं। रुद्र का है? रुद्र नहीं थे। रुद्र नहीं थे तो रुद्र कहाँ थे? मम्मा के और गाइस ये है मेरे मायके की पूरी फैमिली, पापा, मम्मी, मैं, और मीनाक्षी, साक्षी, और मेरा भाई, और दीदी, जीजू, और इरा। इस फोटो में ये नहीं है, इतना सारा काम हो गया था इस टाइम पे, शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा। गाइस इरा के ना जब इरा का जन्म हुआ था उसकी भी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है, वो मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। और इरा ना हमारी लाइफ में बहुत 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 सारी खुशियाँ लेकर आई है, जितनी कि हम आपको बता भी नहीं सकते, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है। और लेकिन ये बहुत गंदी बच्ची बन गई है। और गाइस ये सारा सामान है जो इरू की नानी और नाना जी लेकर आए थे। क्या क्या है ये देखो, ये है एक, और ये है, और ये सारा सामान आपके लिए लाई थी आपकी नानी। और ये इतने प्यारे प्यारे से कंगन और पायल और गले में पहनने के लिए आपके लिए। सो गाइस ये वही छोटा मोटा सामान जो बच्चे की नानी नाना लेकर आते हैं, वही सब। और ना ये देखिए ये फोटो में दीदी जीजू और पापा मम्मी हैं, और इरा कितनी प्यारी सी लग रही है ना। मैं रो रहा हूं, आप सारा टाइम रोती ही रही हो। और ये ना मम्मी पापा ने इरू के लिए एफडी कराई है, तो ये उसका पेपर है आपके लिए ना, नानी ने आपकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए कुछ करा दिया है। चलिए लीरा बड़ी हो जाए, फिर इसकी शादी हो जाए, फिर मैं आपके साथ ना इसकी शादी की भी एल्बम शेयर करूंगी, ठीक है? ये मतलब कि एल्बम शेयर होगी क्या? समय कुछ और नहीं होगा? नहीं कुछ और नहीं होगा। सो गाइस अब ये कुछ फोटोज हैं, इनमें इरू की नानी नाना जी, और जो ये वाला है इसमें मैं हूँ ये, और ये है इरू की साक्षी मौसी, और ये है इरू की मीनाक्षी मौसी, और ये है इरा के पापा जो आर्मी में हैं। और इसके आगे कुछ फोटोज हैं दीदी और जीजू जहाँ घूमने गए थे उसके, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। इरा को देखने, अरे रे रुको 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 रुको, और कुछ फोटोज अभी हैं। अरे
इसके बाद ना ये वाला फोटो लगा था, तो मुझे लगा शायद फोटोज खत्म हो गए, लेकिन इसके बाद ना और भी हैं, ये देखिए। सो ये है इरू की दादी, मतलब मेरी बुआ सास हैं ये दोनों, और ये है मेरी मामी जी, और ये है हमारी मौसी जी, और ये खाने पीने के टाइम के शाम के फोटोज हैं। और बस इसी के साथ एल्बम खत्म। और ये है एक इरा का फोटो जब इरा 3 महीने की थी। नहीं, वो तो मम्मा पापा के हैं जब वो लोग घूमने गए थे, लेकिन वो ना अभी नहीं दिखाएंगे, वो जब आप लोग कहेंगे ना दिखाइए तब दिखाएंगे, ठीक है। सो गाइस, ये थे इडू के नाम करके कुछ फोटोज जो मैंने आपके साथ शेयर किए। सो आई जस्ट होप आपको ये फोटोज अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये फोटोज अच्छे लगे हैं तो आपको क्या करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता, लेकिन तो आपको करना है वीडियो को लाइक, आपको करना है वीडियो को लाइक, और अगर आप न्यू हैं तो आपको करना है सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब करने के बाद छोटू सा बेल आइकन आएगा उसको कर देना है क्लिक, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।